दादी ये है, माँ ये है, यो बॉय ले। और मेरे हाल देख सकते हैं, पराठे रोज सुबह से नहाता बना करके मेरे हाल। कब्जा होता ना किसी भी, वो खिसक है ना वो, उसके अंदर अगर टूटती ना तो तब बात होती। उसको दबाओ पेट पे। ओ भाई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फिर से एक नया व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। यू मैं क्या कहूँ, ये बनाए मैंने टाला, ठीक है। बनाए थे, क्या है उसके अंदर? ये इसके अंदर इसने स्टफिंग भरी हुई है। अब क्योंकि ये इसका जो बाहर का जो लेयर है वो एकदम बेकार हो चुका है, तो हमने इसको मैंने बाहर से क्लियर बना दिया। वाह यार भाई, दिमाग तो है भाई तेरे पे। तो दोस्तों फिर से एक बार परांठे बनने स्टार्ट हो चुके हैं, वही वाले परांठे जो परसों बनाए थे, मूली के परांठे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि रोज रोज ये मूली के परांठे क्यों बन रहे, कुछ और परांठे क्यों? अरे मैं तो कोई टेस्ट नहीं लाएगी मूली पर, मैं खाली कॉफी और टेस्ट पानी सब बंद गोरा पीने का ले। अब नेक्स्ट क्या प्लान है? अरे आलू के पराठे इज बेस्ट पराठे यार। सच्ची? अगली बार अंडे के पराठे बनेंगे। अंडा ना कुछ अलग, जो अभी तक नहीं बने मूल, अभी घर पे जाएगा, अभी तक परांठे नहीं बने मूल। अरे फूल गोभी, फूल गोभी के परांठे कैसे रहेंगे? पनीर को अभी पनीर औकात की बात है, दही का परांठा बनो। दही के पराठे बने दूध के परांठे, गरम दूध के परांठे, पानी के पराठे बने। माँ को किस चीज के परांठे आते बनाने? ए माँ तू एक परांठा उनमो, माँ को सब आता है। माँ का जो फेवरेट डिश है गुलतिया, गुलतिया हलवा और सूजी, माँ वो चीजें बनाती है, दलिया। इसको भी कपर मिठू बात, मिठू बात बहुत गजब। बनाई एक दिन मेरे को साबुदाने बनाना आता है। कैसे बना? कैसे वो जो दाने होते हैं उनको साबुत रखने पड़ते हैं, साबुत दाने। ए दादी आ जा नाश्ता करने, आ जा। ए दा बल्ली दादी कौन जानी मेरे रोल में क्या बात। दादी को पूरा 10 मिनट लगेगा नीचे आने में, एक सीढ़ी को चढ़ने में 1 मिनट, तो पूरी 10 सीढ़ियां तो पूरा 10 मिनट लगेगा। क्या चीज है, रोटी या परांठा? दोस्तों ये डोसा नहीं है, ये कसम से आपको लग रहा होगा ये देखो है। भाई साहब शैलेश भाई की रोटी, आपको लग रहा होगा वो डोसा है, लेकिन वो अपने हाथ की कला है। फेल कर चुका है इस रोटी, लेकिन वो अपने हाथ की कला है। अगर हाथ से बनाता ना मार्क्स, हम सल्यूट करता मैं तेरे को यहीं पे खड़े बैठ बैठे। चकला बेलन में बना कर दिखाओ ना कोई इस तरीके से। ना 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 सब बना देंगे, सब बना देंगे भाई, माँ तक बना देगी, माँ तक क्या देगी, माँ तो बनाती है। क्यों माँ रोटी देख रहा तुम जो तेरे पकड़ बोल ना, तेरे को खाली सुसोच रहा बोल भाई, जीवन में ये अलाव कोई मज़े नहीं बोल। हाँ माँ की कसम ला की ची ताणी के कौन थे लो। अरे ये माँ आटा कौन थे? अरे नहीं तेरे बस से तो दोस्तों ये रोटी बनाने के पीछे का स्ट्रगल देखे यहाँ, ठीक है। लास्ट में आपको उस तरह का मिल रहा है, लेकिन स्ट्रगल ये है। क्या बनाती तू? भाई पूरा 10 मिनट भी तो ले रहा था एक रोटी बनाने में, अगर इस ये है करतूत इसकी। पापड़ से भी बारीक बनी सो माँ की कसम, पापड़ मानी अपने आपको। दादी ये है, माँ ये है, यो बॉय ले। और मेरे हाल देख सकते हैं, पराठे रोज सुबह से नाश्ता बना करके मेरे हाल। तेरे बोलो का मतलब है ये सब कुछ खाना बनाने के लिए लार के हैं? अरे खाना बनाने के लिए नहीं यार, कम से कम दो
आदमी शादी क्यों करता है? दो रोटी चैन क्यों मिल जाए? दो रोटी मिल जाए, दो रोटी बनाने वाली मिल जाए, बोल के ना। सब कुछ मैंने, आटा मैंने गूंदा, पराठे के लिए मसाले मैंने बनाए। अब पूरा लास्ट में आरोप भी दरी डाल रहा। रोटी मैं, वो पराठे मैंने थे के तवे पे। भाई ये वो रोट बेटे, अब ये रोट हाथ पर कर दे। इसका तो वजन ही नहीं है यार। हैं? इसका तो वजन ही नहीं है। रुमाली रोटी सुनाई है ना, वो है ये। रुमाल से भरी ना। ऐ खा ले। कौन? तू दिया मैं बाहर देर क्या दे? स्वाद रहा ना अलग। अलग स्वाद चो। ये मैं लाया हूँ उधर से बाहर। तो दोस्तों अपने जो कुत्ते की कंडीशन है ना, बहुत बुरी हो गई यार कसम से। खाना ही नहीं खा रहा है दो तीन दिन से। तो अभी थोड़ा उसकी सिकाई करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पट्टी करेंगे उस पर। जो अखरोट है ना ये, तो अखरोट का जो ये बाहर का जो चिग्गल होता है इसको लगाएंगे और ये दवाई का काम भी करता है। देखते हैं इससे क्या होता है। उसका पैर जितना ज़्यादा दर्द है। अरे अभी ना उसका पूरा यहाँ पे से ऐसा मुड़ रखा था, ऐसा पूरा इधर को मुड़ रखा था। दुखेगा तो है ही ना इससे। अरे उसकी हड्डी टूट गई भाई। हड्डी तो टूट रखी, मैं वही तो बोल रहा हूँ। परसों नहीं 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 थोड़ा सेफ नहीं दो। हड्डी नहीं टूट रखी यार इसकी। तुम कैसे बोल रहे हो हड्डी टूट रखी? हड्डी नहीं टूटी। अरे हड्डी जोड़ से नहीं टूट रखी, इधर क्रैक और इधर बीच में से जो मेन हड्डी क्या होगी, जोड़ से नहीं हो रखा भाई। भाई वो उसके जो दर्द तभी तो हो रहा है, वो उसके मांस पे टकरा रहा है। तो हम से क्यों रहे फिर? हैं? हां हम से क्यों रहे? तो हड्डी अगर तुम्हें वहीं तक शौकन थोड़ी जी था दिमाग से, तो समझे। पर सूजन तो बहुत कम हो गई इसकी कल से, पर दर्द ज्यादा हो रहा है उसको कसम से ना। हाथ ऐसे कांप रहा है उसका जैसे नॉर्मल। आराम से देख दूं कभी शांति मिले। तो दोस्तों अभी इसके लिए औषधि बन रही है, मतलब जो प्लास्टर करेंगे हम उसके पैर में ना, तो अंदर से दवाई लगाएंगे ना, हल्दी और जो काली दाल होता है उसका पेस्ट। बस यार सही हो जाएगी कसम से। चुके हुए दादा तो यह है दोस्तों प्लास्टर लग रहा है अपने कुत्ते पे। ये अनुभवी डॉक्टर है, हमारे डॉक्टर, हमारे अनुभवी डॉक्टर, हमारे ताऊजी द्वारा। कसम से लगभग बता नहीं सकते यार, बॉर्डर ने पैर लगा दिए होंगे बहुत ज्यादा। लगे। अरे सो तो बॉर्डर अपन बाकरे पर ले लो ला ने काई जागता दीदी जागता टूट जान पर था भी कहते हम पर ये इस पे गांठ लगी गई अब तीन गांठ लगाऊंगी या पांच गांठ ये वो गांठ है उस हाँ से तो नहीं आ रहे उसके दर्द। अरे आन यार तभी तो अरे दर्द उस पे दर्द तब हो रहा था जब उसका झूल नहीं रहा था। अभी अभी हड्डी जगह पे होगी उसकी केवल झटक रखी है। झटके 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 वो नहीं बोलो ये कब्जा होता ना किसी भी वो खिसक है ना वो उसके अंदर अगर टूटती ना तो तब बात होती। उसके अंदर वो चले गया खून तो वो दर्द कर रहा ना वो इतना है। एक्सरे पे देखो अभी वो भी वही बताएगा कहाँ पर एक दो तीन चार या पाँच ये पांचवा ही हुआ ही ना पांचवा इसको और इसको जोड़ दो बस ठीक है।
नहीं नहीं नहीं, अब बढ़िया पता है उस तेरे को, अब पैर देख ना कितना सीधा हो रखा उसका। दोस्तों अभी प्लास्टर हो चुका है अपने कुत्ते के पैर में, तो ये सबसे असरदार तरीका है। इसमें तो मतलब 90% श्योरिटी है कि उसका पैर ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा, क्योंकि यार कोई भी दवाई लगा करके दवाई से वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। प्लास्टर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उसको सबसे मेन ज़रूरी था सपोर्ट। तो आज जो हमने उस पर प्लास्टर कर रखा है, जो ताऊजी ने प्लास्टर करा, वो उसको सपोर्ट भी देगा और उसके बाहर जो दवाई लगा रही है वो उसका जुड़ने में भी हेल्प करेगा। तो फिलहाल अभी मैं थोड़ा दुकान में जा रहा हूँ थोड़ा सा चाय पत्ती लेने के लिए। दोस्तों ये देखो बोड़ा जी अभी गोबर डालने के लिए जा चुका है। और बोड़ा जी का कट्टा देखो सोल्टे से, बहुत बढ़िया तरीका। यही पर कहूँ तुम कदे तू ले आना जमुले बोड़ा जी का जो ये वाला तरीका, इसी तरीके से हम मिले जाएंगे, क्योंकि अब गोबर डालने का सीजन आ चुका है तो दो चार दिन बाद गोबर डालने का काम होता है। नहीं नहीं, तो दोस्तों फाइनली हमारे जो 30 दिन में जो 30 ब्लॉग का जो चैलेंज लिया था वो कंप्लीट हो चुका है। ये 31वां ब्लॉग है, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। केवल और केवल किसके कारण? चैलेंज के कारण। जो हमने चैलेंज लिया था ना, अगर चैलेंज नहीं लिया रहता तो ये इम्पॉसिबल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल। क्योंकि होता क्या है ना, जब हम व्लॉग बनाते हैं वीडियो बनाते हैं तो जब हमको अच्छा कॉन्टेंट मिलता है तो उस टाइम पर हम वीडियो बनाते हैं, और जब नहीं मिलता है तो हमको लगता है चलो कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं बनाते हैं, जब अच्छा कंटेंट मिलेगा फिर बना देंगे। लेकिन जब हम चैलेंज लेते हैं तो उसके बाद हमको कैसे करके हमको कंटेंट मिले या ना मिले, लेकिन हमको कंटेंट खुद बनाना पड़ता है और बन भी जाता है। ठीक है, भले उतना अच्छा कंटेंट तो नहीं रहा है, उतना इंटरेस्टिंग कंटेंट तो नहीं रहा है, लेकिन उतना बोरिंग भी नहीं रहा है। लेकिन सबसे मेन जो खुशी की बात है, जो अपना चैलेंज है वो कम्प्लीट हो चुका है यार। तो अब आगे भी इसी तरह से और चैलेंज लेते रहेंगे और उनको पूरे करते रहेंगे। ठीक है, अभी 30 ब्लॉग का चैलेंज लिया था, अब आगे 30 ब्लॉग और लेंगे, यानी 60 दिन में 60 ब्लॉक। तो आज फिर से चैलेंज ले लिया है। तो जो नीचे ताऊ जी लोगों का जो कुत्ता था ना, जो प्रेग्नेंट था, वो भी शायद मर चुका है, क्योंकि इधर दिख नहीं रहा है कल से ना, कसम से उसको बहुत दिक्कत हो गया था यार। बगी ले कुछ खा ले, ले खा ले बाती का ले, ले ले बाती का भाई। तो दोस्तों यार अभी तक ये कुछ खा नहीं रहा है यार, ले पता है 3 दिन से कुछ नहीं खा रखा उसने, अब उल्टी कर रहा है, पता है केवल मुंह से थूक टाइप का निकल रहा है, थूक और लार जैसा निकल रहा है, बाकी कुछ नहीं निकल रहा, क्योंकि कुछ खा ही नहीं रखा उसने। ले इसका ना चोट लगने के साथ साथ इसने कुछ खा रखा, कुछ जहरीली चीज़ खा रखी, जिसके कारण उसको उल्टी हो रही है, उसको खाने का मन नहीं कर रहा। उसका कुछ और भी प्रॉब्लम है, तो देखेंगे उसका उस प्रॉब्लम का भी समाधान निकालेंगे। ले कंग्रेचुलेशन शैलेश भाई, दोस्तों बधाइयां दीजिए शैलेश भाई को। ओ भाई साहब गाइस, तो शैलेश भाई के पेट से निकला एक बिल्ली, सबसे बड़ी ताजा खबर। अरे यार वो प्रेग्नेंट हो ना हो यार, कुत्ते का क्या होगा, कुत्ता हो जाएगा सही, हो जाएगा मोल देखते यार, होना तो चाहिए कसम से। कुत्ता अगर सही नहीं हुआ ना, कुत्ता मर गया तो समझ लो मेरी जीने की जो तमन्ना है, जो उम्मीद है, वो भी खत्म हो जाएगी। तमन्ना अरे अभी तक सही जी भाई, फिलहाल माक्सम लेन मोरी नो माक्सम में रुए दियोल में तथी अहिया माक्सम चली जो यार, मैं तैली इन दी थे प्यार वही थे, मतलब कुछ यार जानवरों से भी तो प्यार होता है, नहीं होता है मार्क्सम भाई किसी से अगर हम ठीक है तो हम एक अच्छी सी कुतिया ढूंढ के शादी करा लेंगे। अरे प्यार का मतलब केवल शादी से थोड़ा नहीं है यार, आज केल उल्टी लिया निको। अबे यार तो उसको हमने हल्दी दूध खिलाई तो उसने सारा बाहर निकाल दिया। सीढ़ी पे बैठ गया वो, अब वहीं पे लेट गया, वहीं पे उल्टी करा जो ऊपर यहाँ घर की सीढ़ी में।
तो दोस्तों अभी रात की 10 बज चुके हैं, तो अभी खाना पीना हो चुका है, सब सो चुके हैं, तो फिलहाल अभी हम भी सोते हैं। काफ़ी नींद आ रही है, अभी वीडियो एडिट भी करना है, फटाफट वीडियो एडिट करते हैं। वैसे आजकल ना काफ़ी टाइम से वीडियो में शाम को एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, शाम को एडिट करते करते नींद आ रही है, और सीधे सुबह जा करके एडिट हो रही है, सुबह ही एडिट हो रहा है, सुबह ही थंबनेल बन रहा है, सब कुछ सुबह हो रहा है। देखते अगर अभी अगर एडिट होगा तो सही है, नहीं तो सुबह ही करेंगे। पहले तो कोशिश करेंगे अभी वीडियो एडिट करेंगे। तो फटाफट इस वीडियो को यहीं पर एंड करता है, होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए हो। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलता है किसी और मज़ेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।